मैडम ये इसको कैसे लगाएंगे? मेरे पास बीज है, बीज में भी लगते हैं, और यदि किसी के पास ये ऑलरेडी पेड़ हो तो आप उसमें से निकाल लो। अभी तो आधा तोड़ के कभी लग जाते हैं, कभी नहीं। ये भी एक प्रकार का पालक है जिसको कि हम खा सकते हैं। दिस इज फिलीपींस स्पिनच, ये फिलीपींस स्पिनच, और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है और ये बहुत जल्दी बढ़ता है, जंगल हो जाता है। इसका भी ऐसा ये तोड़ के लगा के तो लग जाता है, मतलब एडिबल है, इसलिए बता रही हूँ कि हम खा सकते हैं। सी ये है बेसिस, अब ये बेसिकली मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाए आजकल, पिज्जा और पास्ता सबके लिए ये बेसिक काफी यूज होता है, पर मैं इसकी चटनी भी बना दी और बहुत टेस्टी और हेल्दी चटनी। आप इस बेसिक के पत्ते और इसमें एक अलग से पंजे होती है, एक बड़ी बॉटल में मैंने बहुत सारे के पत्ते भी रखे थे। एक बैग आपने बेसिल की चटनी पत्ती, हाँ नहीं, मतलब सबको बेसिल का यूज़ लेना है तो निकाल के आप लोग सकते हो। मैडम देखिए इसकी स्मेल देखिए, और ये इंसेक्ट रिपेलेंट है, यानी आप, मैंने एक साल ऐसा किया कि सारे बड़े कीड़ लगते चला, कहीं तो भी कीड़ा लग जाता है तो फिर स्प्रे करे या ना करे, ऑर्गेनिक है तो करना है या नहीं करना है, तो उस चक्कर में मैंने ये बेसिल के मेरे पास सीड से मैंने छोटे छोटे गमलों में एक एक बेसिल प्लांट लगा दिए, इंसेक्ट कम हो गए, सो दैट इज इंसेक्ट रिपेलेंट। होता है, हाँ मेरे पास तो है, आपके पास भी मार्केट में भी होगा, ये तुलसी है, ये तुलसी है, इसलिए उसको आप तुलसी का खा रहे हो वैसा ही इसका भी। हाँ तो ये जो है मतलब इसकी मैं इसकी पुदीना के साथ चटनी का चटनी बनाती हूँ, थोड़ा सा उसमें नारियल डालती हूँ, दो चार मिर्च डालती हूँ, चीनी और नींबू, या आम के दिनों में कच्चा आम और गुड़, बहुत टेस्टी बनता है, बाकी जीरा नमक और अच्छी टेस्टी चीज, हेल्दी चीज, आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, तो उससे काफी फायदा होता है। फिर ये है पुदीना, अब पुदीना लगाना बहुत आसान है, एक बार लग गया तो आपकी किसी भी गमले में मिले सूख जाता गर्मी में, बस फिर आएगा, नहीं गर्मी में तो होता है, पर जैसे जब बहुत ज्यादा धूप हो जाती तो वो सूख भी जाता है, बोले जल जाता है, बीच में पत्ते बाद में अपने इधर पत्ते जल भी जाते हैं, लेकिन ये आप जब आप तो बाजार में मिलना शुरू हो जाएगा, आप उसकी एक डंडल ले आइए, नीचे से उसको कैंची से तिरछा काट दीजिए और जमीन में लगा दीजिए या गमले में लगा दीजिए, आपका पुदीना लग जाएगा, सीड की जरूरत नहीं। तो ये चीजें केवल बरसात में ही पॉसिबल है, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते।
सी एक ये भी एक तरह का बेसिल है, ये है थाई बेसिल। इसमें इस थाई बेसिल का ये है कि इसके पत्तों को आप जरा सा तोड़ के देखो तो उसको अमरूद की खुशबू आती है। पका हुआ अमरूद है, हाँ पके हुए अमरूद की खुशबू आती है। तो थाई लोग जो है इसको सब इसमें समाज का इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये डालते हैं। तो ये भी एक तरह की तुलसी है, तो तुलसी के सारे गुण उसमें मौजूद है। थाई, तो थाई रेसिपी यदि आपको बनानी है कभी तो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी लगाने में बहुत आसान है। एक ये प्लांट, ये तो है करी पत्ता का, फिर वो छोटा रोग मिला नहीं उसका बेचारे का, तो पर करी पत्ता आपके किसी को चाहिए होगा तो मैं बड़े वाले दिलाई। तो करी पत्ता का प्लांट भी आपके घर में होना बहुत जरूरी है, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। मतलब आप सब्जियों में या दाल में या कुछ रेसिपीज में आप इस्तेमाल करते ही हो, लेकिन इसका आप तेल बना सकते हो। हाँ, बालों के लिए आपके बाल झड़ते हैं तो उसके लिए आप करी पत्ता, इसके पत्ते, मेथी थोड़ी और एलोवेरा। हाँ, एलोवेरा का ये मैं एलोवेरा प्लांट भी लगाने में बहुत आसान, पानी बहुत कम लेता है, कैसे भी कहीं भी डाल दो मरता नहीं है, बढ़ता ही करना। तो ये एलोवेरा का अंदर का जो सफेद स्टिक होता है वो, इसके पत्ते और थोड़ी सी मेथी दाना, इस सबको आप पीस लीजिए और उसमें नारियल का तेल डालिए। हाँ, और फिर उसको इसका पानी सब उड़ा दीजिए। और ये सब हमेशा धीमी आंच पे करना है, हाई गैस लेके जल्दी जल्दी नहीं, धीमी आंच पे करोगे कि धीरे धीरे ये सब पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वो उसका तेल का रंग ग्रीन हो जाता है, और फिर उसको आप भर के रख लीजिए बाल झड़ने के लिए, जो जिनके उसके लिए बहुत उपयोगी। फिर ये है अपना नागवेल, पान का पान। तो ये सारे पत्ते, ये कभी भी आपको पेट में कुछ गड़बड़ है, सेंकने के लिए इसको तेल लगा के आप छोटे बच्चों को पेट में नाभी पे लगाइए, पान को पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे और खाने में तो एक पान का पत्ता बजा बगीचे में गए, एक पान का पत्ता उठा के चबा लिया आके, जरूरी नहीं है कि आपको उसका पान बनाने के ही खाना। इसको लगाए कैसे, इसको लगाए कैसे, बीच में लगती है ना, कोई भी पान या किसी की डंडे तोड़ लो। और दूसरा इसका एक तरीका ऐसा होता है लगाने का कि वो 100% लगेगा ले रहे कि हाँ, उसका गोल कर लो, लंबा सा ये कर लो, गोल करके वो सारा गोल नीचे जमीन में डाल दो और उसका एक जो है ऊपर था, मतलब ऊपर का जो ये है ये ऊपर, हाँ अपने आप लगता है, ये लगता है चमेली का ऐसे ही लगता है, कृष्ण कमल का भी ऐसे ही लगता है, जितने भी बेल है वो सब ऐसे ही लगते हैं। एक रिंग बना के बेल मिट्टी के अंदर डाला, जैसे ये लंबा इसका है, आप इसको ऐसे दबा दो, ऐसे करके वो जो ऊपर वाला ये ऊपर रखिए और ये बाकी सारा जमीन मिट्टी में डाल दीजिए, 100% लगता है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाली मेन क्या अपने कैसे शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, गमलों में क्या क्या डालना है, एक बताऊं। किचन गार्डन यानी बहुत कुछ हुआ नहीं है, उसके लिए बहुत सारे गमले लेके आए, मिट्टी लेके आए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहता। आप किसी भी इसमें, अब मैंने देखा ये किसमें इसमें लगा हुआ है, आपके पास ऐसे खाली आइसक्रीम लाते हो, आइसक्रीम के डिब्बे रहते हैं, ये किसी का है, उसी खंड का है, उसके डिब्बे रहते हैं, हाँ उनको एक लोहे की या गरम करो, क्या बोलते हैं,
तलाक से और नीचे होल करना जरूरी है, जरूरी है पहले गबराई खा ली। अब यदि आपके बालकनी में या आपके घर में धूप नहीं आ रही, पर आप दिन भर में ऑब्जर्व तो कर सकते हो कि किस एरिया में धूप आ रही है, तो उस एरिया में, मेरे यहाँ तो अब नीचे बिल्कुल धूप नहीं आती, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे अब छत पे तो जाती हूँ, लेकिन हर बार छत पे जाके कुछ लाना तो मुझे आदत आता है, एक बार तो जाती हूँ पर दोबारा जाने का आदत आता है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे यहाँ तो भाई जो बर्तन मांजती है वहाँ उसके ऊपर शेड बना, वहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, तो ये ऐसे ये जो छोटे छोटे गमले हैं मेरे पास, मैं उठा के उसको उस शेड के ऊपर धूप में रख सकती हूँ। किसी भी प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए 6 घंटे की धूप बहुत आवश्यक है, सुबह की मिले, दोपहर की मिले या ढलती इसकी मिले, पर पूरे 6 घंटे आपको धूप चाहिए, तब जाके वो प्लांट बहुत अच्छा बनता है, कोई भी प्लांट। अब जैसे पालक लगाना है या मेथी लगानी है तो कैसे लगानी है, तो उसके लिए मैं असल में ये मिट्टी और ये सब लेके आई हूँ। अच्छा, एक और प्लांट बहुत बढ़िया वो रहेगा, हाँ ये हल्दी, हल्दी का प्लांट भी आपके घर में होना बहुत जरूरी है। हल्दी के आप जो बॉइल्ड आप करते हो, क्या वड़ा बनाते हो या कुछ और बनाते होंगे, या चावल के आटे का भी कई लोग कुछ बनाते हैं, तो उसको सबको आप हल्दी, ये तो छोटा मैंने इसमें लाने के लिए छोटा सा प्लांट है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं हल्दी के, उस बड़े पत्तों में रैप करके वड़े बना सकते हो, ऑयल खाना नहीं है हेल्थ के हिसाब से, तो वो जो हल्दी की खुशबू आती है उस वड़े में जाती है, बहुत टेस्टी है। हरी अच्छी हल्दी मिलती है बाजार में, उसको गमलों में डाल दो, लग जाती है बाजार में मिलती है, वो लगा दो, अचार भी बनता है उसका, तो मैं बता रही हूँ कि वो अचार अचार अब खाने वाले तो लोग रहे नहीं, कौन खाएगा, तो मैंने तो उसकी हल्दी बनानी पूरी और मुझे साल भर काम आती है, मेरे गमलों में जो लगी हुई है वही। हाँ, हल्दी को निकालने के लिए पूरे 9 महीने लगते हैं, 9 महीने तक रखना। हाँ, वो मतलब तब जाके वो नीचे की हल्दी पड़ी होती है, और उसका ये क्या है देखने का कि भाई हाँ नीचे हल्दी तैयार हो गई, तो वो ऊपर के सब पत्ते सूखने लगते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तब जाके आप उसको खुले दो तो आपको नीचे बहुत अच्छी हल्दी मिले। एक हल्दी में 200 से 250 एक हल्दी। हाँ, पर ये सब 200 से 250 ये खेत में मिलेंगे, आपके गमलों में नहीं मिलेंगे। गमलों में तो आप बोल रहे हो मिलेंगे, मुझे तो मिला ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं होता, वो आपको घर के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से सोचना है। दूसरी ये बात कि अब मेरे एक वीडियो देखेंगे आप, मेरे तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। हाँ, एक ये पेड़ रही है जो दवाई वाला है, गिलोय, ये इसको पहचानते हो आप, गिलोय। हाँ, ये सबसे गुड़वेल या अमृतवेल इसको बोलते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए इसका काढ़ा बनाइए, ये करिए, बहुत बढ़िया है। हाँ, बुखार के लिए नॉर्मल भी आप हेल्दी रहना चाहते हैं, बच्चे काढ़ा तो बहुत टेस्टी होता है, इसमें खाते रहते हैं। हाँ जी, पर वो थोड़ा उसका कड़वा नहीं, तो ऐसा नहीं, मैं तो चारों मिक्स कर देती हूँ। कौन सा बता दीजिए? हाँ वो बताइए, और तो मग तो बोल रहा मागच्या
मैं बीच में बोला हूँ और बाजू हो जाओ ये मेरे वीडियो में दूधी लगा हुआ है लौकी इसका वजन 4 किलो था ये है वर्मी कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा ये देखिए वर्मी कंपोस्ट हाँ ये है ठीक है हाँ यानी गांडूल खत ये काउ डंग यानी कि शेण खत गोबर खत हाँ असल में सभी इक्वल 1:1:1 के प्रोपोर्शन में डालना है ये है कोकोपीट यानी कि नारियल के और अब ये है गार्डन मिट्टी ये है गार्डन मिट्टी जिसमें थोड़ी सी सैंड होती है तो ये भी उतनी ही डालिए और मैंने इसमें 4 चीजें बिकती एक वर्मी कंपोस्ट 2 काउ डंग 3 कोकोपीट और 4 गार्डन मिट्टी ठीक है वो क्या था वो और ये सब अच्छे से मिक्स करें फिर गमले में डालते समय इसमें आप सूखे पत्ते डाल सकते हो अब बारिश थी तो कब गीला था तो मैंने इसमें वो नारियल सूखा हुआ नारियल डाला और उसके नीचे थोड़ा सा वो शुगर के दो चार पत्थर या वो जो गमले टूट जाते हैं ना गमले टूटते हैं ठीक है ड्रेनेज के लिए अब इसमें ये जो सारा मिक्स है वो अच्छे से मिक्स मिला के और वो मिट्टी आपकी इसको बोलते हैं अमृत मिट्टी कि मतलब ये अभी अच्छे से तैयार हो गई है और इसमें जो भी आप डालोगे वो अच्छा मतलब क्या बोलते हैं उगेगा ये आजकल नए इसमें जरूरी नहीं है कि आप उसमें मिट्टी डालें शिवाजी साइंस में एक सेमिनार हुआ था उसमें केवल वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट दो ही चीजें लगाई थी उसमें भी अच्छे फल आते हैं टमाटर लगाए थे और आजकल वो बिना इसके कंपोस्ट के भी बन जाता है खाली मतलब मेथी वगैरह आप खाली पानी से भी उगा सकते हो बाकी करना अब ये मैंने इसमें गमले में वो मिट्टी डाल दी और अब इनमें आपको जो भी लगाना हो अब मैंने बोला कि अभी इन दिनों आप प्याज हरा प्याज मिलता है तो पत्ती काट लीजिए और नीचे की जड़ जो है और थोड़ा सा ऊपर रखिए उसको एक बॉटल में 3 दिन रखिए पानी डाल के पानी में वो जड़े पानी में रहे और फिर थोड़ी वो बढ़ जाएंगी तो नीचे से काट के उसको गमले में लगा दीजिए आपको हरा प्याज फौरन मिलेगा मतलब 1-7 दिनों में मिल जाएगा गाजर का भी हाँ मैंने वो गाजर और ये समय आपको ये जो इसका हिस्सा है ये नीचे रहेगा जहाँ जड़ है रूट्स है और ये ऊपर रहेगा इसको आप चाकू से काट भी सकते या वैसे ये ऐसा रखिए तो और पानी डाल दीजिए 7 दिन में आपका ये पर सूख आने शुरू हो जाएंगे ठीक है।
इन ऑल आपको हाँ निर्गुड़ी के पत्ते कैसे होते हैं ये दिखाना था, और जमीन में मत लगाइए, गमलों में लगाइए, आपके घर के लिए आपके अपने आप प्रिकॉशन लेना चाहिए। दूसरा एक बात बता के बंद करती हूँ मैं, कि आपको अमृत जल बनाना है ताकि आपके उसमें कोई इंसेक्ट उस पर धावा ना बोले। तो वो अमृत जल एक तरीके का टॉनिक है, आप बच्चों को अपने बोर्नविटा देते हो उसकी हेल्थ के लिए, उसी तरह ये अमृत जल। तो अमृत जल को कैसे बनाना है, उसके लिए 1 किलो काउडन मतलब गाय का गोबर 1 किलो फ्रेश ना? उसके बाद 1 लीटर काउ यूरिन यानी गोमूत्र, 200 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम बेसन। इनको सबको अच्छे से मिला के एक स्टर करना, एक साइड से स्टर करना, और उसमें 10 लीटर पानी इमीडिएटली। हाँ इमीडिएटली, यानी एक जो बाल्टी आपकी रहती है रोज की नहाने की, उसमें आपके 10 लीटर पानी और थोड़ा सा 10-12 लीटर की होगी, और उसको आप चर्न करके ढक के रख दीजिए। ये ऐसा आपको 4 दिन कराऊंगे, 4 दिन आपको रोज चर्न करना है। धीरे धीरे आपको उसमें से कोई भी स्मेल आना बंद हो जाएगी और अच्छी सुगंध आएगी, उसमें माइक्रोब तैयार होते हैं। ये पानी आप उन पेड़ों को डालिए, उन पे स्प्रे करिए, आपके पेड़ों को कीट जो इंसेक्ट धावा नहीं बोलते। चार दिन बाद डाल दीजिए। इसके बाद 4 दिन के बाद भी जब ये सब माइक्रोब तैयार हो गए होगी, उसके बाद इसमें से 1 लीटर उसको 10 गुना डाइल्यूट करना है, यानी उसमें यदि 1 मग्गा आपने लिया है तो उसमें 10 मग्गे और पानी मिलाइए और वो डाइल्यूट करके वो पानी डालना। अमृत पानी को आप डाइल्यूट करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 साल नहीं रहता, ये जो इतना है वो महीने भर में खत्म हो जाएगा। अब डिपेंड आपके पास कितने प्लांट है, उसके यदि डालोगे तो आप अपने रोज नहीं, 2-4 दिन के बाद एक बार। ये इंसेक्टिसाइड है कि न्यूट्रिएंट है, दोनों दोनों है, दोनों है, ये दोनों दो न्यूट्रिएंट भी है, न्यूट्रिएंट भी है, मतलब ये बोर्नविटा का भी काम करता है, प्लस ग्रोथ भी अच्छी बढ़ा, स्प्रे भी करना है और रोज भी डालना है। तो स्प्रे करना चाहे जैसे एसिड वगैरह लगता है ना, वो स्प्रे करेंगे। तो ये इतना सब आवश्यक है, आप मेरा मोबाइल लीजिए, आपको जब कभी कोई प्रॉब्लम आए। हाँ मेरा मोबाइल नंबर है 9923 0। आप रहते किधर हैं? ये थॉमस कॉलेज के सामने रहते हैं। 9923 0 2 4 4 8 2। अब ये आप इसमें से देख लीजिए, वीडियो देखा आपने, आप उसके बाद मैंने इन 5-6 सालों में मेरे टेरेस गार्डन पे क्या क्या प्रोड्यूस किया उसके आप स्लाइड देख सकती हैं। वो स्लाइड दिखा दीजिए, हम देख रहे हैं। फटाफट मूव कर दो, बचपन से विश बोले तो पत्ता गोभी लगी थी एक बार, टमाटर, ये जो लाल वाला ये मिर्च है, मूली दो निकली, बैंगन,
ये हाँ, इसमें बैंगन, चौलाई की फली और वाल, फिर टमाटर लगे, देखिए कैसे लगे, पुदीना है और लास्ट वाली जो साइड है वो है गेंदा। ये सब टेरेस में उगे हुए, इतने बड़े गमले यूज करते हैं। ये क्या है, मैं बोलती हूँ ना कि मैं खर्चा बहुत कम करती हूँ, मेरा गार्डन बहुत सुंदर नहीं दिखेगा, पर ये लगता है तो कई बार इसमें आप कीचे भी ऐसे जोड़ के कर सकते हो गमले में। हाँ, और उसमें नीचे यदि आप वो गमले का ये डालते हैं ना, वो बहुत सुंदर अभी ये बैंगन देखिए, बैंगन है, काले भरते वाले बैंगन भी हैं, हरे बैंगन भी हैं, और ये जो दो आप देख रहे हो उबड़ा और तुरई है, ककड़ी देखिए, ककड़ी का साइज, और ये भी यहाँ देखेगा भगवान को, पान पान है। देखिए एक गमला, आप एक बाल्टी वाला जैसा गमला है, देखो उसमें दो दूधी लगी है, एक ही उसमें वो भी एक साल लगाई थी। ये बैंक ब्लैक ब्यूटी वाले बैंगन है, ये पाँच साल एक महीने में या छह महीने में, कोई भी प्लांट में फल लगने के लिए तीन महीने से पहले दी है। आपने पूरे सपोर्ट सिस्टम बनाया होगा ना? हाँ, ऊपर से सामने ऐसा होता है। ये जो बूढ़ी है, एक 4 किलो का था करेला। एक्चुअली आपने जो प्लांट की पहचान कर आपका गार्डन ही देखते हैं। आइए, आई वुड इनवाइट डॉक्टर मिस्टर सरस पाटीवाल सर, कैंटोन नेम इन नागपुर, बॉर्न इन फिलैंथ्रोपिस्ट फैमिली, सो सोशल सर्विस इन हिज हेरिडिटी, एग्रीकल्चर गार्डनिंग आर्ट्स में बहुत ही एक्सपर्ट है और साथ में रोटरी क्लब में के मेंबर है, गार्डन क्लब के प्रेसिडेंट है राइट नाउ, और सर की बहुत सारे अचीवमेंट्स है, पर मैं चाहती हूँ सर से हम उनके अचीवमेंट सुनी सुनी। आप करी पत्ता भी है और देसी भी है, मैडम और जजोड़िया सर भी बहुत सारे सीड्स लेके आए हैं, तो जिस किसी को भी लेना हो वो ले सकते हैं। मैडम भी बहुत सारे वेजिटेबल्स के सीड्स लाई हैं, तो जिनको भी जरूरत होगा ले लीजिएगा। आप लोग बाद में लेंगे, अभी नेक्स्ट सेशन टेस्टिंग और भी अच्छा है, कृपया इस पे ध्यान दें। नमस्कार, मैं शरद परिवार हूँ,
बेसिकली आपको एक बात बता दूं कि आप सब लोग इतने गार्डनिंग में किचन गार्डन में इंटरेस्टेड देखे इससे आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि हम लोग नागपुर गार्डन क्लब में बेसिक गार्डनिंग का कोर्स करते हैं वर्कशॉप और वो वर्कशॉप में आपको सॉइल प्रिपरेशन से लेके तो करीब करीब हर चीज जो आपको जरूरी हो वो सब बताई जाती है ये इस वन टाइम तक के होगा तो हम लोग पेपर में भी अनाउंस करते हैं और आप सबका यदि नंबर यहाँ होगा तो इससे बोलेंगे कि आपको सबको फॉरवर्ड भी कर देंगे तो बेसिक में आपकी ये सब चीजें वहाँ कवर हो जाती है अब आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल बताया मैडम ने अब मैं थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में आपको जो जरूरी चीजें शायद छूट गई हो तो वो मैं आपको यहाँ दिखाने चाहिए ना मैं यहाँ चॉकलेट कर व्हाट इज ऑर्गेनिक गार्डनिंग सबसे पहले चीज प्रिसेंटली ऑर्गेनिक गार्डनिंग इज यूजिंग ऑल रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स इन नेचुरल फॉर्म इंग्लिश समझेंगे कि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट Natural form without adding chemicals, the soil used is chemical free with natural fertilizers, micro and macro nutrients, strictly without the use of insecticides and pesticides. ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि no insecticide or pesticide should be used, which are chemically made. The plants are treated with such chemical free inputs, even when infected by insects, pests or fungal attacks. We are going to learn about the treatment using concoction of naturally available products effective on these and do not leave any harmful residue. अब जो भी उसपे use करते हैं वो यदि harmful residue छोड़ता है तो it becomes unorganic, organic नहीं रह जाता. Which have a very bad effect on our well-being or long run. We are also learning how to make these concoctions and other related materials. नॉर्मली तो आपको सबको आइडिया ही होगी कि वाई एन ऑर्गेनिक किचन गार्डन होना चाहिए इसका सबसे बड़ी चीज है कि इसके प्रोड्यूस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपको हेल्थ के लिए अच्छा रहता है पॉल्यूशन से जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो सब इससे दूर होती हैं एनवायरमेंट में फ्रेंडली होता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जैसे आपको विटामिन एंजाइम्स ये सब ज्यादा मिलते हैं जो आप नॉर्मल मार्केट से खरीदते हैं उससे उसमें केमिकल डाल के वो सब की खत्म कर दिए जाते हैं तो आपको वो चीज नहीं मिलती जो आपको नेचुरली उगाने में ऑर्गेनिकली उगाने में मिलती है आपकी पर्सनल केयर के कारण उसकी यील्ड भी अच्छी आती है आप ज्यादा फ्रेश आपको मिल जाते हैं ये पॉकेट फ्रेंडली होता है सबसे बड़ी चीज सब्जी के भाव इतने वैरी करते हैं कि वो आपको कभी लगता है कि टमाटर 80 रुपए किलो मिल रहा है कभी 100 रुपए किलो मिल रहा है कभी 100 रुपए किलो मिल रहा है तो वेरिएशन आपका खुद के घर में उगाने से कम हो जाता है खत्म ही हो जाता है समझ लीजिए आपको बहुत पॉकेट फ्रेंडली मिलता है सब